दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ नई ट्रेनों की जो कि इंदौर से प्रपोज्ड हैं, और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा इंदौर से सूरत या अपन कहें तो उधना, जो कि सूरत का सब स्टेशन है, तो इंदौर से सूरत के बीच में एक नई वंदे भारत ये दोस्तों प्रपोज्ड हुई है और बहुत तेज़ी से इसको चालू करने की तैयारियाँ हो रही हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इंदौर से अजमेर होते हुए जयपुर की ट्राई वीकली की जो ट्रेन है, जो कि प्रपोज्ड है टाइम टेबल कमेटी से, लास्ट ईयर भी अप्रूव हुई थी और 2023 में भी इस ट्रेन को रेलवे बोर्ड की टाइम टेबल कमेटी ने अप्रूव करके भेज दिया है। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो है वो सप्ताह में 3 दिन चलना है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी अपने बता चुका हूँ। फिलहाल जो है ये फाइल जो है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास में पेंडिंग पड़ी है। अब वो जब भी ये जो ट्राई वीकली ट्रेन है ये चलाने की अनुमति दे देंगे, ट्रेन चलाई जा सकती है। दूसरी ट्रेन है दोस्तों जो इंदौर से जयपुर के लिए ही, जो कि एक वंदे भारत प्रपोज्ड है, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में जो है यह ट्रेन भी जो है वो शुरू हो सकती है और इंदौर से सुबह चलेगी, दोपहर में ये जयपुर पहुंचेगी, जयपुर से वहाँ पे प्लेटफॉर्म रिटर्न ट्रेन रहेगी और जयपुर से निकलेगी और रात तक इंदौर आ जाएगी। अभी इसका जो अधिकृत टाइम टेबल है जो प्रपोज वो भी अभी बाहर आना बाकी है। और दोस्तों आज जो सबसे खास जो वजह है वीडियो बनाने की वो है दोस्तों इंदौर उधना वंदे भारत ट्रेन को लेके। ये ट्रेन तो जो है ये वाली इंदौर से सूरत के बीच में इंटरसिटी की जो डिमांड है वो काफ़ी समय से चल रही है। कुछ महीने पहले जो सूरत की जो सांसद हैं और जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं दर्शना जरदोश जी, वो भी इंदौर आई थी। तब लोकसभा की जो पूर्व स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन जी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से ये आग्रह किया था कि इंदौर को या तो आप एक सूरत के लिए इंटरसिटी ट्रेन दें या फिर वंदे भारत दें, जो भी सूटेबल हो, आप चाहे तो सर्वे भी करा लें, और इसको लेके एक चिट्ठी भी लिखी थी। सांसद शंकर लालवानी भी ये वाली जो ट्रेन है सूरत के लिए तो इसके लिए प्रयास कर चुके हैं। तो दोस्तों सोर्सेज का कहना है बहुत तेज़ी से ये इसके संचालन की कार्रवाई चल रही है, एक प्रपोज टाइम टेबल जो है वो अब सामने आया है। ये जो इंदौर जो अपने किससे जो ये चलने का जो उसका टाइमिंग है दोस्तों वो सुबह 5:50 रहेगा और 6:55 पे यह उज्जैन पहुंचेगी और वहाँ 5 मिनट का इसका हॉल्ट है। 7 बजे दोस्तों यह अपने वहाँ से निकल जाएगी उज्जैन से। 8:05 पे यह रतलाम पहुंचेगी। 8:10 पे यह रतलाम से डिपार्ट करेगी। 11:22 सुबह 11:22 पे दोस्तों यह वडोदरा पहुंचेगी और 11:32 पे निकलेगी। 12:16 पे यह ट्रेन जो है भरूच पहुंचेगी और 12:18 पे निकलेगी। दोपहर 1 बजे दोस्तों यह सूरत पहुंचेगी और वहां 3 मिनट का स्टॉपेज लेगी और 1:03 पे रवाना होगी और दोपहर 1:20 पर यह ट्रेन उधना जो है वो वहां पहुंचेगी। वापसी की दोस्तों बात करें तो दोपहर 1:55 पे यह वापस उधना से चलेगी। 2:14 पे यह सूरत स्टेशन आएगी, फिर 3 मिनट का स्टॉपेज लेगी। 2:17 पे यह सूरत से फिर निकलेगी। 2:53 पे यह भरूच आ जाएगी और 2 मिनट रुक के 2:55 पे यह भरूच से डिपार्ट करेगी। 3:44 पे यह वडोदरा आ जाएगी, वहाँ पे भी इसका करीब 10 मिनट का स्टॉपेज है। 3:54 पे यह वडोदरा से डिपार्ट करेगी। रात 7:10 पे यह ट्रेन रतलाम आएगी और 5 मिनट रुक के 7:15 पे यह ट्रेन रवाना होगी। रात 8:20 पे यह ट्रेन जो है उज्जैन पहुंचेगी और 8:25 पे यह उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होगी और इसके इंदौर आने का जो समय है वो दोस्तों 9:30 जो है वो प्रपोज किया गया है। 570 किलोमीटर का रन है दोस्तों यदि एक दिशा की बात करें इंदौर से उधना, और यदि हम इंदौर से जाते समय ये 7.5 घंटे में पहुंच रही है जबकि इसका वापसी में 7:35 का रन रहेगा, 5 मिनट ज़्यादा, और जाते समय जो इसकी एवरेज जो स्पीड जो आ रही है वो 76 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है जबकि लौटते समय वहाँ से इसकी 75.16 किलोमीटर प्रति घंटा की ये इसकी स्पीड आ रही है। दोस्तों आमतौर पर अभी ये हो रहा है कि जितनी भी वंदे भारत चलती हैं तो उनको एक दिन का जो है वो उनको ब्रेक दिया जाता है, मोस्टली वो संडे होता है, जैसे कि हमारी इंदौर भोपाल वंदे भारत भी जो संडे को नहीं चलाई जाती, लेकिन इंदौर उधना जो ट्रेन में दोस्तों ये एक खास बात रहेगी कि ये संडे को चलेगी
मंगलवार को जो है वो इसका वीकली ऑफ रहेगा, यानी एक दिन जो है वो रविवार की बजाय ये मंगलवार को छुट्टी मनाएगी। तो दोस्तों अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द से जल्द ये जो ट्रेनें जो प्रपोज्ड हैं ये जल्द से जल्द इंदौर से चालू हों। ये पर्सनली मुझे लगता है, ऐसा कोई मतलब कोई अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नेक्स्ट मंथ उनके मध्य प्रदेश में दो प्रोग्राम हैं, तो वो तब वो आ सकते हैं और तब हमें या तो ये तीनों सुविधाएं मिल सकती हैं या तीनों में से कोई एक दो या मतलब जो भी तय हो तो ये वो सुविधा हमको मिल सकती है। लेकिन वंदे भारत दोस्तों मिलने की पूरी उम्मीद है, एक न एक तो वंदे भारत इंदौर को अभी नियर फ्यूचर में जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी आई थी और ट्रेनों को लेके बहुत कम बात हो पाती है, तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।